एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग में जिसमें फ्रिक्शंस और आपकी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उसमें क्या करना है इसको समझने वाली बात है। मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर को मैं रोल करवा रहा हूँ बाय अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स। वो टेंजेंशियल फोर्स मैंने ऊपर लगा दी ताकि बॉडी कैसे घूमे क्लॉकवाइज, ठीक है, बात समझ में आती है। और मैं अगर ये पूछूँ कितना टॉर्क जनरेट हुआ इस बॉडी पे, तो आप बोलेंगे ये एक्सिस है, आर इंटू एफ इसका टॉर्क है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है। अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ये केस प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने एफ फोर्स को लगाया सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। पहले मुझे ये बताएं मेरी एफ फोर्स कांस्टेंट है, क्या इसका इसकी स्पीड सेंटर ऑफ मास की बढ़ेगी या सेम रहेगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड बढ़ेगी कि सेम रहेगी। एफ मेरा कांस्टेंट है, अच्छा अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन होगी, ठीक ही तो है। देखो मेरे फोर्स ने टॉर्क जनरेट किया, कितना किया, आर इन टू एफ, और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आई एल्फा, तुम यहाँ से एल्फा निकाल लेना। और जिस क्वेश्चन में एल्फा आ गया यानी कि ओमेगा बढ़ रहा है, और ओमेगा बढ़ रहा है प्योर रोलिंग में, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा बढ़ गया तो वी भी बढ़ गया, तो मतलब क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, तुम्हारी फोर्स लगाने से ए जनरेट नहीं होगा, 100% होगा। तुमने जैसे लॉज ऑफ मोशन पे अगर ब्लॉक पे फोर्स लगाई तब भी तो ए जनरेट होता है, रोल में भी ए जनरेट होता है, और तुमने ये बताना है ए कितना जनरेट हुआ, सेंटर ऑफ मास कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन है। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कौन सी फ्रिक्शन, बोला जी स्टैटिक, क्योंकि रोलिंग है और प्योर रोलिंग है। तो मैंने कहा फ्रिक्शन की स्टैटिक की डायरेक्शन क्या है, वो कहता देखो आपने सिखाई ये वाला पार्टिकल क्योंकि घूम के पीछे जा रहा है, लोअर मोस्ट पार्टिकल पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगा दो, सही मैंने भी लगा दी। और फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन राइट है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लेफ्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है वो अलग बात है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो चलो आपके कहे पे या मेरे कहे पे आपने ऐसा कर लिया और मैंने भी ऐसा कर लिया, बोलो। दो मिनट दो मुझे, मैंने पहला रूल लगाया कि आज के बाद मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये रूल लगा लूँगा, अगर ये पार्टिकल इधर तो फ्रिक्शन इधर, देखते हैं होता क्या है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन रोलिंग का क्वेश्चन है, रोलिंग का क्वेश्चन दो पार्ट से बना हुआ है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन की इक्वेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगती है और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यूज़ करते हैं, रोटेशन में टॉर्क यूज़ करते हैं और पूरी बॉडी पे शेप मैटर करती है। तो एक काम करते हैं पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, इस बॉडी पे कुल मिला के कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक एफ हो रही है और एक स्मॉल एफ हो रही है बस बॉडी पे। तो एक एफ राइट की तरफ है, स्मॉल एफ भी राइट की तरफ है, नेट फोर्स कितनी यूज हो रही है, एफ प्लस एफ। तो सेंटर ऑफ मास की नेट फोर्स क्या है, एफ प्लस एफ, और नेट फोर्स होती क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये पहली क्वेश्चन सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। ये तो लॉज ऑफ मोशन लगाया, इसमें रोटेशन भी कहाँ काम आया, ये तो नॉर्मल है। दूसरी क्वेश्चन किसकी है, टॉर्क की, बस आप मुझे ये बता दो टॉर्क में कैपिटल एफ का टॉर्क क्या है, आर इनटू कैपिटल एफ, और कैसे बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्योंकि ऐसे एफ लग रहा है तो बॉडी क्लॉकवाइज है, राइट। अच्छा एक और फोर्स है छोटा एफ, छोटा एफ फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगा, आर इंटू छोटा एफ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कैसे करके देखूं, मेरा हाथ स्मॉल एफ है, ये लो कैसे घूम रहे हैं एंटी, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यानी कि एक टॉर्क क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर दिया, माइनस, उल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रही है ना बॉडी, तो अल्टीमेटली क्लॉकवाइज ही जाएगी पीछे, ना ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे एफ लगाऊं और मेरी तरफ आए, आगे जाएगी, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा एंटी क्लॉकवाइज छोटा है। तो नेट टॉर्क न्यूटन का लॉ क्या कहता है, जैसे लॉज ऑफ मोशन में लगाते थे, इज इक्वल टू फोर नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह नेट टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। अब क्योंकि ये बॉडी सॉलिड स्फीयर है गिवन है, तो ये 2/5 mr², और अल्फा और ए में रिलेशन कैसे निकलेगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्योर रोलिंग में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, अल्फा की जगह ए बाय आर,
आर से आर कैंसिल, आर से वो आर कैंसिल, तो ये क्वेश्चन नंबर टू। फिर आप इक्वेशन नंबर वन ले लो, टू ले लो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, सॉल्व करके चेक कर लेना आपके पास सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन आएगी, आंसर आ गया। तो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की कैसे निकलेगी समझ में आता है, मतलब ये कैटेगरी ऑफ टॉर्क की कैटेगरी का क्वेश्चन है बेसिकली। तो हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, इंक्लाइन प्लेन पे ट्रांसलेशन भी क्वेश्चन बनाओ और फिर रोटेशनल की बनाओ, सेम कॉन्सेप्ट है। पर यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने टॉर्क लगाना सीखा, टॉर्क तो आपको लगाना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को सीखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपने कैसे लगाई। आप में से एक स्टूडेंट था जो शायद नहीं सोच पाया या सोच कुछ अलग सोच पाया और मेरी तरह उसने फ्रिक्शन पीछे ले ली। करके देखते हैं ना यार, ऐसे कैसे हवा में बातें करेंगे, चलो मैंने कर दिया। वो कहता जी देखो बॉडी आगे जा रही है तो मेरी तरफ से फ्रिक्शन पीछे है। कहते मैंने सोचा ही नहीं, ये बॉडी आगे जा रही है फ्रिक्शन पीछे, चाहे वो स्टैटिक हो क्वांटिटी को, मेरे को क्या लेना। चलो मैंने कहा करके देख लेते हैं, तो मैंने फ्रिक्शन जी उसके कहे पे पीछे ले ली और ग्राउंड की फ्रिक्शन आगे ले ली। अब फिर से हो तो रोलिंग ही रही है, रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इस पर इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है, आगे की फोर्स माइनस, अब ये प्लस नहीं है भाई ये पीछे है माइनस है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एफ माइनस एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही हो गया। फिर को कहता है रोटेशन की, तो ये कैपिटल एफ टॉर्क कैसे जनरेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्मॉल एफ कैसे कर रहा है, मेरा हाथ स्मॉल एफ है बैकवर्ड, तो बोलो टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, कैपिटल एफ ने भी क्लॉकवाइज, स्मॉल एफ ने भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपस में ऐड और नेट टॉर्क क्या होता है, आई इंटू एल्फा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आई को स्क्वायर का पुट कर दिया और एल्फा ए बाय आर, सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन। जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम आया, लेकिन माइनस साइन का फर्क आया जो ये शो कर रहा है कि तुमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत ली थी। पर एक अच्छी बात बताऊं, आंसर फिर भी सही आएगा मैग्नीट्यूड में, जबकि लॉज ऑफ मोशन में आपको फ्रीडम नहीं थी, तुम अगर ब्लॉक के ऊपर ये काम करो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तुम गलती से रोलिंग के अंदर फ्रिक्शन गलत ले लो, कम से कम मैग्नीट्यूड तो गलत नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो भी सही आएगा। तो लॉज ऑफ मोशन में ये रूल अलाउड नहीं करता, तुम ये ना सोचा जहां मर्जी लगा लो सर ने कहा था, ऐसा नहीं है, उसमें नहीं चलता, इसमें चलता है। तो चलो मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर पार्टिकल पीछे जा रहे हैं आप फ्रिक्शन आगे ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने करके भी दिखा दिया कि क्या अफेक्ट होने वाला है इसका, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, मौका देख के ही वहां पर देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ काइनेटिक का है, काइनेटिक के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, बट ये बात समझ में आ रही है, मेन प्रॉब्लम स्टैटिक की होती है। अब एक और क्वेश्चन आया, हमने याद को ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे, एक ब्लॉक है फिर एक ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालो, याद है हमने बहुत क्वेश्चन किए। सेम क्वेश्चन अब चेंज हो गया, वो कहता है जी एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है, यहां पर ब्लॉक नहीं है, यहां पर एक सिलेंडर है और उसके ऊपर धागा लपेट रखा है पूरा, तो धागा के साथ लग दिया और ये मास नीचे आ रहा है, धागा इधर जा रहा है और साथ में ये सिलेंडर भी रोल करता जा रहा है, स्प्रिंग है, क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, सिंपल ए निकालना है। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले पिछला लेक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसको देख लें। प्योर रोलिंग में क्या रूल था, प्योर रोलिंग के अंदर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 2V है। सेम रूल अप्लाइज फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो, अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग में है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 है, सेंटर ऑफ मास की अगर ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की 2A है, भूलना नहीं। तो अगर प्योर रोलिंग है, उल्टा भी पूछ सकता हूँ, प्योर रोलिंग है इसकी एक्सेलरेशन 2A है तो सेंटर ऑफ मास की कितनी है, आधी कर दो ए है। चलो क्वेश्चन पे लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज देखो, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे आने की कितनी है, ए है, इस स्ट्रिंग की इधर जाने की एक्सेलरेशन क्या है, ए है, इसके इस पार्टिकल की राइट साइड वेक्टर एक्सेलरेशन क्या है, ए है, पर इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है, ए बाय 2 है। अब ये रोल हो गया ना, अब रोलिंग में हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन डिफरेंट है,
ये ब्लॉक थोड़ी ना है कि पूरा ब्लॉक ही ए के साथ मूव करे जाएगा, आसान क्वेश्चन है। या तो देखना पड़ेगा किस पार्टिकल की ए है। तो अगर टॉप के पार्टिकल की ए है तो सेंटर ऑफ मास की ए बाई टू है, और अगर सेंटर ऑफ मास की ए बाई टू है तो टॉप की ए है। तो ये रूल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रिक्शन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो लॉज ऑफ मोशन में था, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस पोर्शन की एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये रूल्स को समझ में आ गया। तो अब एक काम करते हैं, ये मैंने बता दिया अगर ये ए है तो ये ए बाई टू है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो ब्लॉक की, ब्लॉक की इक्वेशन बोलो, लॉज ऑफ मोशन एम जी माइनस टी इज एम ए। तो पहली इक्वेशन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये तो ट्रांसलेशन की। अब बनाते हैं रोटेशन की। अब रोटेशन के लिए यहाँ पे टेंशन टी है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वापस फ्रिक्शन का काम कर रही है। मैंने तो वही रूल लगा लिया क्योंकि ये रोलिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है तो मैंने फ्रिक्शन राइट ले ली, वही सेम रूल। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन में राइट ले ली, तो स्टैटिक राइट ले ली, तो आपका ये डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर पहला ट्रांसलेशन की इक्वेशन, अभी तो ब्लॉक की बनी थी, अब सिलेंडर की भी बनानी पड़ेगी। तो सिलेंडर क्योंकि रोल कर रहा है और रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन की इक्वेशन किस पे बनती है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स क्या है, टी प्लस एफ, और इस सिलेंडर का मास आपको क्वेश्चन में 2m गिवन है, तो टी प्लस एफ इज इक्वल टू 2m इंटू ए बाई टू। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, क्लियर है, ट्रांसलेशन हो गई। अब बात करते हैं रोटेशन की। कैपिटल टी और एफ दो फोर्सेज हैं जो टॉर्क जनरेट करेंगी। कैपिटल टी कितना टॉर्क जनरेट करेगी, आर इंटू टी, और एफ कितना करेगी, आर इंटू एफ। कैपिटल टी बॉडी को कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, और स्मॉल एफ कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज इज आई इंटू एल्फा। अब क्योंकि ये सिलेंडर है, हाफ एम आर स्क्वायर में मास ऑफ सिलेंडर आपको 2m गिवन है, हाफ इंटू 2m इंटू आर स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह गड़बड़ हो जाती है। सिलेंडर के लिए a इज इक्वल टू आर एल्फा वैलिड है, पर इस सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन a नहीं है, a बाई टू इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा से एल्फा आएगा। नहीं तो जल्दबाजी में यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जल्दबाजी में यहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू a बाई आर पुट किया जाता है, और ये कॉमन मिस्टेक है। तो यहाँ से एल्फा a बाई टू से पुट करना है, यहाँ पे r से r, r से वो r कैंसिल, तो एक और इक्वेशन है। कुल मिला के तीन इक्वेशंस हैं, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करके फ्रिक्शन कैंसिल करके यहाँ से t आ गया, और ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू तो अपने काल ही लेंगे। मेन बात सॉल्व करने का नहीं है, मेन बात है इक्वेशंस कैसे बनेगी समझ में आता है। तो मेन बात है कि कैसे आपने सबसे पहले इस a से a बाई टू सोचा, ये a बाई टू होगा। मेन बात है इसकी इक्वेशन तो लॉज ऑफ मोशन से ही बनेगी, इसकी इक्वेशन एक लॉज ऑफ मोशन ट्रांसलेशन पे बनेगी और एक टॉर्क यानी कि रोटेशन से बनेगी। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक ठीक, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है और इसको एक बार देखते हैं।